हमसे स्टार्ट करें, कंप्लीट स्टार्ट करें आज के सेशन को। मंजू जी, जी सर, जी सर, आप इनका साथ दीजिएगा, कोऑर्डिनेट कीजिएगा। जी अभिषेक जी स्टार्ट कीजिए। जी मैम, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे साथ बने हैं। और सबसे पहले नरपत जी को बुलाते हैं ना मैम। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक मिनट में, और फिर इंट्रोडक्शन देख के अंजू दीदी को बुलाएंगे हम गायत्री मंत्र के लिए। ओके। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं उदयपुरवाटी झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मोदी घर को करते हुए 3 महीने हो गए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसे मेरे परिवार में भी बहुत खुशी आ रही है। और अब गायत्री मंत्र के लिए बुलाना चाहेंगे अंजू दीदी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जी जी मेरा नाम, आवाज सही आ रही है अभिषेक भैया मेरी? वॉल्यूम सही है क्या? जी सही है, बिल्कुल ठीक आ रही है ना भैया? हाँ, ओके ओके सही है। ओके, मेरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम अंजू मिन्ना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मोदी केयर में आए हुए मुझे अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए मोदी केयर, तो अभी काफी ठीक है। मोदी केयर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेली डेली ये देखो गायत्री मंत्र बोलना मॉर्निंग में सबसे पहले, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ, सभी अपनी आईज क्लोज करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू अभिषेक भैया, ओवर टू यू। थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया गाया।
और अभी इसे आगे क्रम में लाना चाहूंगा। नरपत जी को, जो कि माँ शारदे का बहुत ही अच्छा गाते हैं। अभिषेक जी अपने बीच में नरपत जी अभी नहीं आए हैं, तो आप नीतू बेटा को बुलाइए, नीतू गुज्जर। ओके ओके, तो अभी कंटिन्यू करना चाहेंगे सेशन को। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा नीतू गुज्जर को। तो सो प्लीज वेलकम ऑन द नीतू। वेलकम ऑन द नीतू जी। वो हमारे साथ हैं क्या मैम? जी 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 गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। माय सेल्फ नीतू गुज्जर एंड आई एम 11 इयर्स ओल्ड। दीदी मैं अभी मैटरनल अंकल की हूँ, प्रेयर मुझे करवानी है। हाँ जी हाँ जी जी दीदी। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले क्यों ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी, आपका बढ़िया गया आपने। और अभी कंटिन्यू करना चाहूंगा सेशन को, आगे कृष्ण भजन के लिए बनाना चाहूंगा नीतू मैम। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। अभिषेक जी पहले आप नीतू बेटा को वापस इनवाइट कीजिए, वो अपने को राष्ट्रगान करवाएंगे। ओके ओके मैम, तो अभी राष्ट्रगान के लिए वापस फिर से नीतू जी को बुलाना चाहेंगे नेशनल एंथम के लिए। तो सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन नीतू जी। जी भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन, मैं नीतू गुज्जर, मैं स्टार्ट करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, जय हिंद। एंड सॉरी मेरी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। थैंक यू नीतू जी, आपका बहुत ही बढ़िया गाया आपने।
अब इसी क्रम में आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा सेशन को, और नीतू मैम को बुलाना चाहूंगा, वो काफी अच्छा भजन सुनाते हैं कृष्ण जी का, तो पहले उनका भजन सुनेंगे। सो वेलकम ऑन द स्क्रीन नीतू मैम। जी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग एवरीवन। दिल से धन्यवाद आप सभी लीडर्स का, एंड अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम नीतू है, नौलगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, और आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और दिवाली की हार्दिक बधाइयां, जैसे हमारे गांव में बोलते हैं राम राम सा, आप सभी को दिवाली की राम राम सा। एंड आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से भैया अभी ठीक है, और बहुत जल्द वो एकदम से अच्छे हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का, इसी तरह अपनी दुआएं कायम रखना मेरे भाई पे, हमारे भाई पे। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद गुरुदेव, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी वो दुआएं थी जो वो आज बिल्कुल ठीक है, आज रात को उसे अच्छे से सांस भी आ रहा था, और अच्छे से मतलब उसको नींद भी आई, तो ना वो खांसी आई, वरना पूरी रात खांसता रहता था, उसको सांस भी नहीं आता था। तो दिल से धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत खुश हूँ, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है इस बात को लेके। और सबसे बड़ा धन्यवाद शिवानी माँ का, जो कल मुझे दिवाली पे एक माँ मिल गई, एक परिवार और मिल गया जिन्होंने मुझे बेटी माना है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, जो शायद भगवान ने मुझे इसके लिए ही बनाया था, और शायद ऐसा इसीलिए हुआ था कि वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी सौंप सके। तो थैंक यू सो मच शिवानी माँ, दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें अभिषेक जी। जी जी बिल्कुल, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। हाँ एकदम सही। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने कृष्ण भजन की। सबसे पहले राधे राधे और जय श्री कृष्ण। राधे राधे रटते जाओ, राधे राधे रटते जाओ, कान्हा को रिझाओ, आवो रे थाल सजाओ, कान्हा की आरती गाओ, आवो रे थाल सजाओ, कान्हा की आरती गाओ। मुरली धर के पद पंकज में शीश नवाओ, मंजीरे झांझ बजाओ, कान्हा की आरती गाओ, मंजीरे झांझ बजाओ, कान्हा की आरती गाओ। हे गोविंद मुरारी, तुझ पे सब कुछ बलिहारी, अपनी कृपा रखो भक्तों पर गिरधारी। हे गोविंद मुरारी, तुझ पे सब कुछ बलिहारी, अपनी कृपा रखो भक्तों पर गिरधारी। तुम ही ममता के सागर, पिता से पालनहारी, तुम ही बंधु सखा, तुम ही आनंद किशोर, आनंद किशोर। हो तपती धूप में कान्हा, तू ही तरवर की छाया, खिंचा आए हर एक पंथी तेरी ही ओर, तेरी ही ओर। प्रेम के दो आंसू कान्हा के चरणों में चढ़ाओ, श्रद्धा का भोग लगाओ, कान्हा की आरती गाओ, श्रद्धा का भोग लगाओ, कान्हा की आरती गाओ। हे गोविंद मुरारी, तुझ पे सब कुछ बलिहारी, हे गोविंद मुरारी, तुझ पे सब कुछ बलिहारी, अपनी कृपा रखो भक्तों पर गिरधारी। कभी तू मुरली बजाए हो, कभी तू चक्र चलाए, कठिन पथ पे कभी रथ पे, तू थामे डोर,
तो था मेडो ओ राधे रास बिहारी है तेरी छवि मनोहारी अधुर मुरली है माथे पे पंखई हो है पंखई हो ऐसी सुंदर अनुपम छवि को मन में बसाओ मन वृंदावन बनाओ कान्हा की आरती गाओ मन वृंदावन बनाओ कान्हा की आरती गाओ हे गोविंद मुरारी तुझ पे सब कुछ बलिहारी अपनी कृपा रखो भक्तों पर गिरधारी राधे राधे रटते जाओ कान्हा को रिझाओ आओ रे थाल सजाओ कान्हा की आरती गाओ जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और थैंक यू नीतू जी, आपने बहुत बढ़िया गाया है। वास्तव में आपकी वॉइस में भी जादू है, कमाल है। ये भजन आपकी वॉइस में बहुत अच्छे लगते हैं और आप गाते भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू। और अब सेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब आगे हमारे ग्रेट स्टोरी टेलर जो डिमोटिव इंसान को भी एकदम पॉजिटिव करते हैं, जो काफी बहुत अभिषेक जी सबसे पहले हम रचना दीदी को बुलाएंगे अफर्मेशन के लिए, उसके बाद अफर्मेशन करेंगे पहले। जी ओके ओके सॉरी सर। तो कोई नहीं, नितेश जी को रचना दीदी के बाद में, पहले अफर्मेशन के लिए रचना दीदी को बुलाना चाहेंगे। तो वेलकम ऑन द स्क्रीन रचना दीदी। रचना दीदी अपने बीच में नहीं है, अफर्मेशन रचना दीदी हमारे बीच में नहीं है। सर मैं करवा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपको करनी है जी। और आपके साथ के लिए मैं वापस चैंपियन को बुलाना चाहूंगा, हमारा भाई मोहित एकदम स्वस्थ है। मैंने नहाने के बाद, सुबह का सेशन होने के बाद सुंदरकांड का पाठ किया था, और कल मैंने अपने इस फैमिली के लिए, मधुकर परिवार के लिए, सभी अप्लाइनों के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, अपने देश के लिए, हम सब के लिए, और स्पेशली सेशन के लिए और हमारी वन मैन आर्मी के लिए, मस्ती की पाठशाला के लिए मैंने डिसाइड किया है कि आजीवन उम्र भर तक, जब तक मेरी सांस रहेगी, हर शनिवार को मैं ये सुंदरकांड का पाठ आप सब लोगों के लिए हमेशा हमेशा करूंगा। दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पावर टू यू मंजू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। और शुरुआत करते हैं अफर्मेशन की। नीतू जी आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं। नीतू जी आवाज सुन रही है? जी मैम, मुझे क्या बोलनी है? अफर्मेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, और फिर से दिल से धन्यवाद आप सभी लीडर्स का। थैंक यू सो मच। अपना परिचय एक बार फिर से देना चाहूंगी। मेरा नाम निशा नौलगर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर को जी के, इतना प्यारा इतना शानदार परिवार मिला। थैंक यू गॉड, थैंक यू, जितना धन्यवाद कहें उतना कम है। एंड थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू सो मच मंजू। मैं दीदी करें जी जी जी। दोस्तों जहाँ पे भी बैठे हो, अपनी आंखों को बंद करके और एकदम पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ हम अफर्मेशन करेंगे, हमारे ईश्वर को याद करेंगे। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुश किस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और सब लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और सब लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हमेशा मैं सकारात्मक लोगों के साथ रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वयं संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वयं संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से सामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से सामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और ये पूरी दुनिया और हमारा भाई मोहित एकदम स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये पूरा समाज, ये पूरा शहर, ये पूरा विश्व और पूरा देश और मेरा भाई, हमारा भाई मोहित बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और देती हुई हर एक किरण जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य का और उससे निकलती हुई हर उस किरण का जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन का जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद करती हूँ हवा, पानी और भोजन का जो मुझे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर मोदी सर का जिन्होंने हमारे लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मैं धन्यवाद करती हूँ समीर मोदी सर का जिन्होंने हमारे लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आए। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मोदी केयर बिजनेस का। जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मोदी केयर बिजनेस का जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी मैं हर रोज हर पल जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी मैं हर पल हर रोज जीती हूँ। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है।
मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं और विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है, मैं वैसे वैसे और विनम्र होती जा रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वर की कृपा से मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 2 करोड़ की शानदार सी चमचमाती कार की मालकिन हूँ और उसको खुद ड्राइव करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 2 करोड़ की शानदार सी चमचमाती कार की मालकिन और उसको खुद ड्राइव करके लेके आ रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी के प्लेटफॉर्म से साल में 2 बार विदेश यात्रा पर जाती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने गुरुजनों के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर प्लेटफॉर्म से साल में 2 बार विदेश यात्रा जाती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने अप्लायंस के साथ और दोस्तों आप सबके साथ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन अपलाइन है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन अपलाइन है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया की सबसे शानदार टीम है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया की सबसे शानदार टीम है। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर बिजनेस को लेकर हमेशा सकारात्मक रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर बिजनेस को लेकर हमेशा सकारात्मक रहती हूँ। इतनी अपार खुशियां, मान सम्मान और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए हे ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतनी अपार खुशियां, मान सम्मान और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर से जीवन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर से खूबसूरत से जीवन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब दोनों हाथों को रब करके और जो भी हमने पॉजिटिव थिंकिंग बोली है वो हमें पूरी बॉडी में फील करेंगे, उसको पूरी बॉडी पे दोनों हाथों को रब करके टच करेंगे। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू नीतू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभिषेक जी कंटिन्यू कीजिए। आपका दिल से धन्यवाद और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अभिषेक जी। थैंक यू आपका भी धन्यवाद, आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। आज बहुत बड़ी अफर्मेशन की मंजू मैम ने और नीतू दी ने, नाइस शानदार। अब आगे के सेशन में बुलाना चाहेंगे मैम नितेश जी को। हाँ जी नितेश जी को बुलाइए। एक शानदार स्टोरी टेलर, एक बहुत ही जबरदस्त, पता नहीं वो लाते कहाँ से हैं कहानियां, हर रोज नई नई कहानी लाते हैं, हर रोज नई नई। सो वेलकम ऑन द स्क्रीन द ग्रेट स्टोरी टेलर ओनली वन नितेश कुमार जी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं और अपने जीवन में लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहले आपको गोवर्धन की राम राम, बहुत बहुत बधाइयां। हम सब की दिवाली बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मनी, इसके लिए आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साथियों, नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूं और पिछले 4 महीने से लगातार मोदी केयर को फुल टाइम जी रहा हूं और बहुत मजा आ रहा है। हर दिन दिवाली है, हर दिन त्योहार है, बहुत मजा आ रहा है। लेवल डायरेक्टर हो चुका है और इसी दिसंबर 2020 में आप सबके बीच कार विनर बन के आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये संभव हो रहा है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे और हम सब मिलकर जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। कंपैरिजन कभी ना करें। आज की स्टोरी हमें ये सिखाएगी कि कंपैरिजन कभी ना करें, और गौर से सुनिएगा, ये स्टोरी हमें और भी बहुत कुछ सिखाने वाली है। किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन हैंडल करें वो चीज भी हमें ये स्टोरी सिखाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अपने बिजनेस से अगर आपने रिलेट किया तो आप समझ पाएंगे कि किसी साथी के ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है और उसे रास्ता कैसे बताया जाता है। छोटा सा तोता था एक पट्टू नाम से, एक जंगल में रहा करता था। एक दिन पट्टू तोता उदास बैठा था, छोटा सा बच्चा था, उदास बैठा था। उसकी माँ उसके पास आई, उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? पट्टू तोते ने उदासी में जवाब दिया कि माँ मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, मुझे मेरी चोंच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुड़ी हुई है आगे से, नुकीली तीखी, पता नहीं कैसी अजीब सी बुरी सी चोंच है मेरी। जबकि मेरे जो बाकी दोस्त हैं, बिरजू बाज है, कालू कोवा है, कल की कोयल है, इन सब की चोंच तो सीधी है और कितनी सुंदर और लंबी भी है। माँ ने जवाब दिया बेटे को समझाते हुए कि बेटा तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर तो है, लाल लाल नुकीली सी छोटी सी, कितनी प्यारी चोंच है तुम्हारी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? लेकिन बच्चा नहीं माना, उसने कहा, नहीं माँ मेरी चोंच बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम उनकी चोंच देखो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर और कितनी लंबी चोंच है, मेरी तो छोटी सी और वो भी आगे से मुड़ी हुई। माँ उसका कोई जवाब नहीं दे पाई और कहा, बिल्कुल बात तो तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद, थोड़ी देर सोचने के बाद माँ को एक आइडिया आया। माँ ने सोचा कि इस बच्चे को अब तो ज्ञानी काका के पास भेजना पड़ेगा। ज्ञानी काका सबसे बुजुर्ग तोता था जो उस जंगल के सबसे पुराने वृक्ष पर रहा करता था। तो माँ ने बिना देरी किए कहा कि बेटा तुम ज्ञानी काका के पास जाओ और उनसे पूछो, अपलाइन के पास भेज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। कहा, तुम ज्ञानी काका के पास जाओ, उनसे पूछो, तुम्हारी समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। बच्चे ने तुरंत अपनी माँ की बात मानी और पहुंच गया ज्ञानी काका के पास। ज्ञानी काका बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, कुछ खा रहे थे। जैसे उन्होंने अपना खाना खत्म किया और पूछा, बताओ बच्चा तुम कैसे आना हुआ? तो जो अपना पट्टू तोता है उसने जवाब दिया कि काका मेरी एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसका आपको समाधान लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो काका ने बोला, बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तो उसने कहा, काका मुझे अपनी चोंच पसंद नहीं है, मेरी चोंच नुकीली सी, मुड़ी हुई सी, छोटी सी, अजीब सी चोंच है, जबकि मेरे दोस्तों की, बिरजू बाज की, कालू कोवा की और कल की कोयल की बहुत सुंदर चोंच है, मुझे भी वैसी चोंच चाहिए। बिल्कुल यहाँ अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तोते हैं, हमारी चोंच ऐसी होती है, हमें ऐसे ही बनाया है। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और तुम्हारे बाकी साथियों की चोंच वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये तो समस्या है। लेकिन आ जाता है, सामने वाले का दिमाग खुल चुका है, अब वो आगे बताते हैं, लेकिन अगर तुम्हें केंचुए खाने को दिए जाए तो तुम खाओगे? तो इस पर पट्टू तोते ने कहा, नहीं ये मेरे खाने की चीज है क्या? छी छी, कैसी बातें कर रहे हो काका? उसके बाद फिर से बोलते हैं, अगर तुम्हें मछलियां खाने को दी जाएं तो क्या तुम खाओगे? इस पर फिर से पट्टू तोता बोलता है, छी छी काका, कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे खाने लायक चीजें नहीं है। तो अगर तुम्हें खरगोश खाने को दिए जाए तो क्या तुम खाओगे? मरे हुए जानवर खाने को दिए जाए तो क्या तुम खाओगे? इस पर पट्टू तोता फिर से अजीब सी आवाजें करता, छी छी काका, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी चीजें मेरे खाने के नहीं है। वो अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। उसके बाद उसे समझाते हुए काका बोलते हैं, बेटा भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है और सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं। हर कोई अपने आप में बेस्ट है, हर किसी में अपनी अपनी अलग अलग काबिलियत छुपी हुई है। हमें भगवान ने इस तरीके से बनाया है, अगर
अगर तुम्हारे पास ये चोंच नहीं होती, अगर तुम्हारी चोंच आगे से नुकीली मुड़ी हुई नहीं होती, तो क्या तुम अपने फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? क्या तुम आलू टमाटर जो खाते हो वो खा पाते उस चोंच के साथ? क्या तुम ये सब खा पाते? तोता बोलता है, नहीं काका, मैं ये सब तो नहीं खा पाता। तो बेटा कंपैरिजन करना बंद करो, उन्हें भगवान ने उनकी तरह बनाया है, तुम्हें भगवान ने तुम्हारी तरह बनाया है। तो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उस पे ध्यान दो, उसको पहचानो, ना कि कंपैरिजन करो। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे बीच, बहुत सारे साथी शुरुआत में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उसके पास तो ये बेस्ट है, उसके पास ये अच्छा है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा लगता है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं दिखता भी ऐसा हूँ, मेरे पास पैसे की भी कमी है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, ऐसा सब कुछ करने लग जाते हैं बहुत सारे साथी। लेकिन ऐसा करके आप खुद की, अपने माता पिता की और उस असीम शक्ति की तोहीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको आप जैसा बनाया है और उसको उस जैसा बनाया है। इस दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, इस दुनिया में आप जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। तो कंपैरिजन कभी ना करें अपना दूसरों के साथ। ऐसा करके आप अपनी तोहीन कर रहे हैं, अपने माँ बाप की और अपनी उस असीम शक्ति, उस परमपिता परमेश्वर की तोहीन कर रहे हैं। तो इन सब की इज्जत करें, उन्होंने आपको कुछ खास बनाया है, आप में कुछ खास है, उस चीज को पहचाने, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पहचाने, नेगेटिव पॉइंट्स पे ध्यान ना दें और अपना कंपैरिजन तो कभी भी ना करें। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज के बाद कोई भी साथी कंपैरिजन नहीं करेंगे, और अगर आपको कोई मिले जो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करके दुखी हो रहा है, तो आप उसको ये कहानी सुना सकते हैं। धन्यवाद। नाइस, जबरदस्त, शानदार, बहुत बढ़िया। आपने सही कहा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि उसके पास वो है, किसी के पास तो पता नहीं क्या क्या है। सही है, लोगों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बहुत शानदार आपने स्टोरी सुनाई, थैंक यू। और अभी आगे के कंटिन्यू करना चाहूंगा। हमारे साथ आ गए हैं सुरेंद्र जी, जो कि हमें पहले के दोहे सुनाते हैं, कभी कबीर के, कभी रहीम के, कभी बिहारी के, तो उनके दोहे सुनना चाहेंगे। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज का दिन, आज की बहुत सी प्यारी सी सुबह बख्शी है। गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ये बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म मिला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर्स, आज गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत राम राम। दोस्तों, लेके चलता हूं आपको दोहे पे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। सुरेंद्र कुमार स्वामी, नौहर तहसील के बावलेसर ग्राम से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में सावर रहते हुए बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, हम अब हमेशा कोई ना कोई दोहे जरूर सुनते हैं, और वैसे ही आज फिर से हम तुलसीदास जी को सुनने वाले हैं। तो लेके चलता हूँ मैं बहुत ही प्यारे दोहों पे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिले बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग। आप हर किसी से अच्छे से मिलिए और बात करिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता कर आसानी से उसे पार कर लेती है, वैसे ही अपने अच्छे व्यवहार से आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। लस्सी पावस के समय दरी को कीलन मोन,
अब तो दादुर बोली ही हमें पूछे ही कौन, तुलसी हमें पूछे ही कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, बारिश के मौसम में मेंढकों के टर्राने की आवाज इतनी अधिक हो जाती है कि कोयल की मीठी बोली उस कोलाल में दब जाती है, इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है, यानी मेंढक रूपी द्रुत व कपटपूर्ण लोगों का बोलबाला हो जाता है। तब समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है और व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान, तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक व्यक्ति के मन में काम गुस्सा अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। जब तक यानी हर एक व्यक्ति में अगर काम गुस्सा अहंकार और लालच हैं, तो वो सारे के सारे अहंकार रूपी व्यक्ति ही माने जाते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो मूर्ख हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अभिषेक जी। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? कोई नहीं, नेटवर्क इशू होगा। चलो दोस्तों, अपन सेशन को आगे लेके चलते हैं और आगे इनवाइट करते हैं हमारे गुरुदेव को, जो हमें हमेशा एक नया लेसन सिखाते हैं, हमें नया जिंदगी का नया पाठ पढ़ाते हैं। और आज इस खुशी के मौके पे सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, और इनवाइट करना चाहूंगी गुरुदेव को। गुरुदेव आप आइए और हमें जिंदगी की आज एक और नई सीख दीजिए। जी थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद 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 आप सभी को मेरा प्रणाम। दीपावली आपके जीवन में हमेशा इसी तरीके से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपका जीवन हमेशा रोशन हो उन हजारों लाखों करोड़ों दीपक की तरह जो कल रात हमने जलाए हैं अपने हाथों से, और वो रोशनी फैलाई है सबके जीवन में। और माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आशीर्वाद, कुबेर जी का खजाना हमारे जीवन में हमेशा भर भर के हमें मिले, हम सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां और प्यार बरसता रहे। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप सब खुशहाल है, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थितियां हो, हमें खुश रहना है, खुश रहने की आदत डालनी है, क्योंकि हम जब खुश रहते हैं तो खुशियों को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम दुख को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब हम प्यार बांटते हैं तो प्यार और ज्यादा हमारी तरफ उमड़ता है। जब हम लोगों को इज्जत देते हैं तो इज्जत और ज्यादा हमारी तरफ आती है। तो लीडर्स, अपने जीवन में वो सब करना शुरू कीजिए, चाहकर, जानबूझकर, जानबूझकर। हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हो सकता है घर में माहौल अलग हो सकता है बीमारी का समय चल रहा हो सकता है कर्जे का समय चल रहा हो सकता है कोई भी ऐसा जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते, वो ऐसी परिस्थिति, ऐसा काल चल रहा हो, लेकिन इस बात को याद रखिए, हर हाल में, हर काल में हमें जीतना है। हम विजेता है और हम जीत कर ही रहेंगे, हम जीतते ही रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, जिन चीजों को हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, रोजाना की जिंदगी में और आजीवन वही चीजें अट्रैक्ट होती चली जाती है और अपने जीवन में आती चली जाती है। आप जिस चीज को बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो, उसको फोकस करें, उसको एहसास करें, उसको महसूस करें, उसको देखें और उसको देखकर अंदर ही अंदर आप खुशी महसूस करें, धन्यवाद दें उससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, सृष्टि को, ईश्वर को, जिनकी वजह से हमारे साथ आज वो माहौल, वो चीज, वो व्यवस्थाएं हैं। लीडर्स, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्यार, आपका साथ बहुत अनमोल है।
ये दीपावली नहीं, हर दीपावली आप जैसा परिवार, आप जैसे दोस्त, आप जैसा प्यार और साथी, बिजनेस पार्टनर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, आप सभी को मैं सलाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतनी खुशियाँ, इतना प्यार, इतना मान सम्मान देने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार सैनी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया, हमेशा यही कहना चाहूंगा आप सबको कि आप अनमोल हैं। और 100 साल से 2 साल और 2 साल से लेकर 100 साल तक के सभी बच्चों को इस सेशन में आप लेकर आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब हम इस सेशन को करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की वाणी के साथ ये सेशन स्टार्ट होता है और ईश्वर की वाणी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है हर दिन, और उन्हीं की मर्जी से ये सेशन होता है। रात को काफी लेट, करीब शायद मुझे 1.5-2 से भी ज्यादा समय हो चुका था पूजा पाठ करके, खाना वाना खा के सोने में, उसके बावजूद भी साथियों 4:30 बजे अपने आप मेरी आंखें खुल गई। अलार्म नहीं लगाई थी मैंने सबमिट कर रखा है ईश्वर को, भगवान को, आप सबको, कि ये सेशन आप हम सब चलाएंगे, हम सब करेंगे, और चलाने वाला कोई और नहीं है, वो परम शक्ति है, वो ईश्वर है। और सच मानिए ऐसा ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आप और हम कोई भी नहीं है, आप और हम सिर्फ माध्यम है, आप और हम सिर्फ उसका एक दिशा निर्देश को पूरे करने वाले लोग हैं। ये काम जो भी हो रहा है, ये सेशन जो भी चल रहा है, इस सेशन को जो भी चला रहा है, वो इष्ट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, जिसकी वजह से ये सेशन चल रहा है। तो अपने अंदर कभी भी घमंड और प्राउड बिल्कुल मत आने दीजिएगा कि मैं तो बहुत अच्छा भजन बोलता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी होस्टिंग करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लोगों को गुरु ज्ञान देता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कविता बोलती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा राष्ट्रगान गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा दोहे सुनाता हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसा कुछ भी अपने मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि आप और हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मानिए, आप 4 महीने पहले की जीवन में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा आप और हम क्या है। आप और हम एक शरीर का लोथड़ा थे जो बेड पे पड़ा रहता था, निढाल, आंखें बंद हुआ करती थी, धड़कने सांसें चल रही होती थी, और हम एक निढाल शरीर के लोथड़े के रूप में पड़े रहते थे बेड पर। लेकिन ये ईश्वर की कृपा हुई हम पे, या उसका आशीर्वाद हुआ हम पे, कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी, हमें रास्ता दिखाया, और हम इस सेशन के माध्यम से उनके कार्य को कर पा रहे हैं। और वो जो चाहते हैं, वो चाहते क्या है, हम लोगों को प्यार दे, खुशियां दे, सकारात्मकता दे, जीवन में ऊर्जा भरे, मोटिवेट करे, एजुकेट करे, सच्ची राह दिखाए, आत्मसम्मान की जिंदगी जीना बताए, और लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हम लोगों में पैदा करें, और चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक ऊर्जा हम एक दूसरे तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया में खुशहाली को हम भर दें। यही उसकी चाहत है, और उसी की चाहत के अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे हैं, और हम कर नहीं रहे, वो करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, हम तो सिर्फ उसका माध्यम है। तो इसलिए कभी भी अपने अंदर वो घमंड, वो प्राउड मत आने देना कि मैं, ये मैं कभी मत आने देना, क्योंकि मैं करते करते बकरी चली जाती है, और मैं करते करते रावण चला गया। तो ना मैं में कुछ है, ना तुम में कुछ है, ना तुम में कुछ है, ना मुझ में कुछ है। अगर कुछ भी अच्छा है तो हम सब में है। अगर मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर दम है तो हम है, और हम है तो दम है। तो दिल से धन्यवाद आप सभी को लीडर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का सेशन बहुत प्यारा है, और आज इस शुभ दिन पर आप हम सब साथ में हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सोच के देखिए, आज के दिन भी हमारा प्यारा सा सेशन चल रहा है, और हम एक दूसरे के साथ इस प्यारी सी सुबह में जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से हम दिल की बातें कर रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं, आत्मा की बातें कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सम्मान देते हैं। आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 52 पार्टिसिपेंट्स आज हम यहाँ पे है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। आप महसूस कीजिए, हमारा सेशन 6 बजे स्टार्ट हुआ करता था, 5:50 पे 6 बजे स्टार्ट हुआ करता था, उस वक्त हम 51 लीडर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये ईश्वर की चाहत है, ईश्वर की मर्जी है कि हर दिन हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है, और आपके चेहरे के पीछे, आपके अपने आप के पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों लीडर्स, कंसल्टेंट, और वो लोग हैं जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि आप रोजाना कम से कम 1-2 साथियों को इस सेशन के बारे में जरूर बताएं, उनको इस सेशन में लेकर आए। और ये मेरा पक्का वादा है, हर हाल में, हर काल में, मैं और अपनी ये पूरी टीम, आप सब मिलकर इस सेशन को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बस जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी से निभानी है।
जिम्मेदारी हमें जिम्मेदारी से निभानी है। चलिए आज रविवार का दिन है और आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा हमारे एक ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर, ऐसे जो दिशा हमें दिखाते आए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व की मैं आपसे बात करूंगा जो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खास थे, खास है और खास ही बने रहेंगे। लीडर्स, बात करेंगे आज ओशो के बारे में। ओशो ने हमें सिखाया है, हमें बताया है, सुख जब स्वभाव बन जाए, सुख जब स्वभाव बन जाए। आप ये बहुत सारे लोगों के अंदर देख सकते हो कि वो हर काल में, हर हाल में हमेशा सुखी रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और आप ये महसूस कर पाएंगे जब कभी आप ईश्वर के कृपा पाए हुए उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, जो हमेशा मस्त रहता है, खुश रहता है, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, बिजनेस कम हो, ज्यादा हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके बावजूद भी जो खुश रहता है या खुश रहते हुए नजर आता है, उसका उसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, अच्छा बेनिफिट क्या है ऐसे व्यक्ति के साथ रहने में, कि वो खुद अंदर से चाहे दीपक की तरह जल रहा हो लेकिन वो दूसरों को हमेशा रोशनी देता है और यही उसके जीवन की सबसे खास बात होती है। और जब दीपक की तरह जलने के बावजूद भी जलन खुद महसूस करके लोगों को रोशनी देने का काम हम करते हैं तो सच मानिए दोस्तों, ईश्वर की कृपा, विशेष कृपा आप हम सब पे बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। जिसे तुम सुख कहते हो उस सुख में रहना हो ही नहीं सकता, वह आया भी नहीं कि गया हो जाता, आ भी नहीं पाया कि जा रहा है। इधर तुम देख रहे थे कि मुंह था अपनी तरफ, तुम ठीक से पहचान भी नहीं पाए थे, सुख आ रहा था कि देखा कि पीठ हो गई, जा रहा है। क्षण भर के सुख में कैसे रहोगे, होश आते ही क्षण खो जाता है। और फिर सुख जिसे तुम सुख कहते हो जब आता है तब ही मन सुख से भर रहता है, भरा रहता है। ध्यान से सुनना और फरमाना कि ऐसा सुख क्या सुख है जो क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है, और ऐसे सुख में आप कैसे सुखी रह सकते हो जो पलों के साथ, क्षणों के साथ बदलता रहता है। जब आता है तब भी मन सुख से भरा रहता है क्योंकि तुम जानते हो कि यह टिकेगा नहीं। जब भी भीतर एक गहरी उदासी घेरी रहती है चित्त को, तुम जानते हो भली भांति कि यह लहर की तरह आया है और लहर की तरह चला जाएगा। यह लहर तट पर सदा रुकने वाली नहीं है, जैसी आई है वैसी चली जाएगी। ये ज्वारा जल्दी ही भाटा हो जाएगा। संभवतः जब सुख आता है और पता चलता रहता है कि गया गया गया, कैसे तुम सुख में रह सकते हो। सुख आता है तो तुम पकड़ने की कोशिश से भर जाते हो, रहना तो बहुत मुश्किल है, पकड़ते हो उसको, पकड़े रहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन पकड़ने की कोशिश करते हो। रोक ले थोड़ी देर और, एक क्षण और, उस पकड़ने में ही वह क्षण खो जाता है जो कि जीने का क्षण हो सकता था। सुख आता है तब कहीं चला ना जाए यह चिंता मन में व्याप्त हो जाती है। दुख होता है तब तुम दुख से पीड़ित, दुख होता है तब तुम चिंता से पीड़ित कि कैसे जाए। सुख होता है तो तुम इस चिंता से पीड़ित कि चला ना जाए, कि जब गया अब गया, अब गया कैसे बांध लूं, रह कैसे पाओगे। सुख में रहना तो तभी हो सकता है जब सुख आए और न आ गया फिर जाने को ना, तुम्हारा स्वभाव हो जाए चित्त की वृत्ति। जस्ट अ मिनट, मैं पानी पीना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सभी का, दिल से धन्यवाद। लीडर्स ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें जो ओशो के माध्यम से, हमारे गुरु के माध्यम से हम सीख रहे हैं वो ये है कि सुख जो आता है वो पल भर के लिए आता है, दुख भी जो आता है वो कुछ पलों के लिए, क्षणों के लिए, कुछ लम्हों के लिए आता है और वो हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन हम करते क्या है, हम दुख जब आता है तो हम ये सोचते हैं कि कब जाए कब जाए कब जाए, हम उस उधेड़बुन में लगे रहते हैं। और जब सुख आता है तो हम उस उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि ये चला ना जाए चला ना जाए चला ना जाए। उस क्षण को, उस पल को, उस लम्हे को हम जीते नहीं है, उस खुशी में हम खुश नहीं होते, उस सुख को हम एंजॉय नहीं करते। तो लीडर्स हमें ध्यान रखना है, चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चली जाती है। चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चली जाती है। तुम जिसको सुख कहते हो वह चित्त की एक तरंग है। कबीर जिस सुख की बात कर रहे हैं वह अस्तित्व की अवस्था है, वह आत्मा की भाव दशा है, स्वभाव फिर जाता नहीं। न तो सुख मूल्यवान है तुम्हारा, न दुख मूल्यवान है तुम्हारा। तुमने बहुत ध्यान इन पर दिया इसलिए तुम बुरी तरह उलझ गए हो।
वे ध्यान देने योग्य भी नहीं है। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भाव नहीं चाहिए। सुख आए तो उपेक्षा रखना कि वह जाने ही वाला है, दुख आए तो उपेक्षा रखना कि वह जाने जानते हो कि कितनी देर टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता तो फिर क्या इतनी परेशान होने की जरूरत है, तो क्या फिर इतना परेशान होने की जरूरत है। रह लेने दो थोड़ी देर, आ गया है पक्षी उड़कर तुम्हारे कमरे में, दुख का हो या सुख का क्षण भर फड़फड़ाएगा, दूसरी खिड़की से निकल जाएगा। कोई सदा रहने को नहीं है, एक खिड़की से प्रवेश कर जाता है पक्षी, क्षण भर फड़फड़ाता है, दूसरी खिड़की से निकल कर अनंत यात्रा पर निकल जाता है। तुम तो वो भवन हो जहाँ पक्षी थोड़ी देर उड़ा, वह रिक्तता, वह खाली जगह, उसी से अपना तदात्म्य करो। जो तुम पाओगे कबीर किस सुख की बात कर रहे हैं, जो आता है और जाता नहीं, आया कि आया फिर जाने का नाम नहीं लेता, वह कोई मेहमान नहीं वह तुम ही हो, वह कोई मेहमान नहीं वह तुम ही हो, वह कोई अतिथि नहीं है वह स्वयं आतिथ्य हो, आतिथ्य है मेहमान नहीं मेजबान है वह तुम ही हो, वह कोई किनारे पर आने वाली तरह नहीं वह किनारा ही है। लीडर्स, यहाँ आज हमारे गुरु के माध्यम से हम ये सीख रहे हैं और हमने ये सीखा है इस छठे छोटे से प्यारे से लेसन से कि आप सुख दुख की इस इन घड़ियों में, इन क्षणों में, इन लम्हों में अपने आप को संजो कर रखे और इस बात का अपने अंदर से एक विश्वास पैदा करें कि सुख मैं खुद हूँ, सुख मेरे अंदर भरा पड़ा है, शांति प्यार विश्वास जो है वो मेरे अंदर है। जब आप उसको महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, तो जीवन भर आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि सुख और दुख तलाशने की कोशिश हमें बाहर नहीं करनी है। सुख और दुख अगर हम बाहर तलाशेंगे, हम चीजों में तलाशेंगे, लोगों में तलाशेंगे, धन दौलत में तलाशेंगे या अन्य प्राकृतिक चीजों में तलाशेंगे, तो शायद हमें सुख क्षण भर के लिए मिले, आए और चला जाए, उस पक्षी की तरह जो भवन में किसी एक खिड़की से अंदर घुसता है, फड़फड़ाता है, कुछ देर ठहरता है और दूसरी खिड़की से निकल जाता है। उसी तरह सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें तो एक ही भाव के साथ हर हाल में, हर काल में खुश रहना है, मुस्कुराना है, प्यार बांटना है, प्यार पाना है, अंदर से वो खुशी को जग जाहिर करना है, अंदर से खुश रहना है, अंदर से उस खुशी को हमें फैलाना है चारों तरफ। और जब आप अंदर के समुद्र में गोता लगाते हैं, जब आप अंदर उतर जाते हैं, आप अपने अंतर मन में चले जाते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जो कुछ मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, उसके एहसास को महसूस करके आप खुशी को पाते हैं और खुशी को अपने अंतर मन में, दिल में रमा लेते हैं, बसा लेते हैं, तो जीवन हमेशा हमेशा के लिए खुशनुमा बन जाता है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने अपने घरों में, अपने परिवार में आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपके जीवन में धन लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, माता रानी का, भगवान श्री कृष्णा जी का और सभी ईश्वर का, अल्लाह वाहिगुरु जीसस, जो भी जिस भी परम शक्ति को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद, प्रेम, विश्वास, सुरक्षा, शांति हमेशा हमेशा आपके साथ बनी रहे। और आप हर दीपावली, जो इस दिवाली आपने पाया है मोदी केयर से, इस दिवाली जो आपने पाया है अपने इस परिवार से, मोदी केयर मैनेजमेंट, मोदी केयर सिस्टम से, वो लाखों, हजारों लाखों, करोड़ों गुना होकर अगली दीपावली और भर भर के आपके घर में आए और धन कुबेर की आपके घर में वारिस हो, आपके सारे सपने पूरे हों, यही मेरी चाहत है, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे होस्ट को बुलाना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ओवर टू यू। हेलो अभिषेक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू हमारी जिंदगी चेंज करने के लिए, थैंक यू सर। और आगे मैं, मेरी है बारी है अब, तो सभी से सबसे पहले तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी लीडर्स को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इस सेशन में जितने भी साथी हैं वो सभी मेरे गुरु है, मैं मन से मानती हूँ, एकदम सच्चे मन से मानती हूँ। सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद, सभी गुरुओं को गोवर्धन की राम राम। और बहुत प्यारा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। ये सेशन नहीं है दोस्तों, बता दूं आपको, मुझे बताते हुए दिन में जब मैं बात करती हूँ लोगों से, या मैं अपलायंस से, या मेरी टीम से, किसी से भी बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो सुबह का जो सेशन होता है वो सेशन नहीं है, वो एक सिस्टम है। और सिस्टम कभी भी ड्रॉप नहीं होता,
चाहे वो त्योहार हो, चाहे खुशी का टाइम हो, चाहे गम का टाइम हो, सिस्टम है वो सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं त्योहार के दिन थोड़ी ना चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, जब वो मतलब नहीं समझते हैं तब, कि जब हमारे केके सर की डेथ हुई थी तो क्या मोदी केयर बंद हुआ था 5 दिन के लिए? बोलते हैं नहीं हुआ। तो फिर सिस्टम है, सिस्टम है तो सिस्टम के ऊपर ठंडा गर्म किसी का असर नहीं होगा। और हमारा जो सुबह का सेशन है 5:30 बजे का, वो भी सिस्टम बन चुका है। और सिस्टम है तभी तो रात को 1-1.5 बजे सोना, वो हर जितने भी सेशन में बने हुए हैं सभी साथियों की यही कंडीशन थी, सब लेट नाइट सोए थे लेकिन फिर भी 5 बजे सब एक साथ हो चुके थे। ये सिस्टम की बदौलत है, सिस्टम की पावर है। तो थैंक यू गुरुदेव, आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, हम सबकी लाइफ चेंज की। और आप सभी को गोवर्धन की राम राम। और आप सबको बता दूं, आज का जो दिन है बहुत खास है, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है। तो ये दिवाली सबसे शानदार रही मेरी, मैं मेरी बात करूं तो ये दिवाली मेरे लिए बहुत शानदार रही, सबसे शानदार रही मोदी केयर में। डिग्रवाल साहब को हमारा प्रणाम, दीपावली की, गोवर्धन की राम राम, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये हमारा मैसेज हम सब की तरफ से, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी ढेरों बधाइयां जन्मदिन की आप उनको दीजिएगा। और चैट बॉक्स में आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए आप चैट बॉक्स में बर्थडे विश लिखें और उनके स्वस्थ जीवन की, मस्त जीवन की कामना जरूर जरूर करें। दिल से धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। जी सर, थैंक यू। वास्तव में ये दिवाली मेरे जीवन की सबसे शानदार दिवाली रही, मोदी केयर में आने के बाद की सबसे शानदार दिवाली रही, क्योंकि इस दिवाली से पहले हमने कृतज्ञता की भावना को समझ लिया था। आज तक ये नहीं पता था कि कृतज्ञता क्या होती है। कल मैंने पूजा की, मेरे डेमो किट की पूजा की, मेरी जितनी भी डायरियां हैं, मैंने सब चीजों की अलग अलग डायरियां डाल रखी है, मैंने उन सबकी पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हर्षवर्धन जैन सर के वीडियो सुने थे बहुत पहले, करीबन साल भर पहले, तो वो बोलते हैं कि आपको अपने जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की जो डायरी होती है उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। तब यूं लगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, डायरियों की पूजा कर लो। लेकिन अभी इन 3 महीनों में ये जो भावना अपने अंदर फीलिंग आ रही है कृतज्ञता की भावना, उससे मुझे, मैंने खुद में फील किया कि मुझे भी ऐसा करना है। दोस्तों ऐसा किया ना तो आप मेरे चेहरे पे जो खुशी है ना, वो आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने ग्रुप में डाला, उस खुशी के कारण ही मैंने ग्रुप में डाला कि मैंने आज ऐसी पूजा भी की है। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू आप सभी अपलायंस का, दिल से धन्यवाद मुझे सिस्टम में लाने के लिए, मुझे सिस्टम समझाने के लिए, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, हम सबकी जिंदगी बदलने के लिए। गुरुदेव आपका दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी, आपके हर हुक्म पर गुजारा करूं, आपके हर हुक्म पर मैं गुजारा करूं, आपकी हर रजा को मैं गवारा करूं, बनो आईना आप हमारा, बनो आईना आप हमारा। गुरुदेव आपको देख देख कर मैं खुद का जीवन संवारा करूं, मैं खुद का जीवन संवारा करूं। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों बताना चाहूंगी, नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में जिंदगी जीते हुए 22 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो 37 साल में जिंदगी नहीं जी वो 2 साल में जी है, 22 महीनों में जी है। और जो 22 महीनों में जिंदगी नहीं जी वो मैंने इन 3 महीनों में जी है। और यहाँ इस सिस्टम की बदौलत में आज आपके सामने बोल पा रही हूँ, अपनी मन की बात रख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू सभी गुरुओं को, दिल से धन्यवाद। और आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो कविता, और एक बात और बता दूं, कल जिसके भी पास मैंने फोन किया या जिसका भी मेरे पास फोन आया तो मेरी आवाज सुन के वो सब बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा ये पावर है मोदी केयर की, कैसे हो, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, जिंदाबाद है एकदम से, मतलब आवाज में वो बुलंदी। तो वो बोल रहे हैं कि आप तो एकदम चेंज हो गए। मेरे भाई हैं एक यूपी के, जो मेरे धर्म के भाई बने हुए हैं, उन्होंने मेरा ग्रुप, मैंने जो मैसेज डाला दीपावली का बना के, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, अरे मंजू तुम तो चेंज ही हो गई, तुम तो एकदम से मॉडर्न बन गई। तो मैंने कहा भाई साहब ये बदौलत है मोदी केयर की बदौलत सब कुछ हुआ है। फिर मैंने उनको वरना की मेरी कहानी सुन, वो कविता सुनाई, और मैंने 10 लोगों को मेरी, जिसका भी मेरे पास फोन आया जिनकी नहीं सुनी हुई थी, मैंने सबको मेरी वरना की कविता सुनाई, सबको सुनाई काम छोड़ के, और तुरंत बैठ गई सुनाने। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यूं लग रहा है कि मेरी वरना मेरे सामने खड़ी है दिवाली के दिन।
तो थैंक यू सभी गुरुओं को। और आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ उसमें आप फील कीजिएगा, वो मैं नहीं कह रही, वो सिस्टम कह रहा है। जो लाइनें बोल रही हूँ वो सिर्फ मेरी आवाज है, मेरी वर्डिंग है, लेकिन कह आपको और कोई रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ। ना रुकूंगा ना रुकूंगा, ना रुकूंगा ना रुकने दूंगा, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा, जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। समीर ये कहता है, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल में है शिवेलों पर भी मैं चलूंगा, तुम्हारी कामयाबी की खातिर अंगारों से भी मैं खेलूंगा, तुम तो बस अपना फर्ज निभाओ, तुम्हें आर्थिक आजादी मैं दूंगा, तुम करते जाओ वक्त के थपेड़े मैं खुद सह लूंगा। समीर ये कहता है कि तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हारा बस साथ चाहिए, तुम्हारा बस साथ चाहिए, तुम्हारी निर्धनता का महल मैं धो दूंगा, तुम बस तन मन से काम करो, तुम्हारी साथ पुस्ते खाए इतना मैं धन दूंगा, करो जी जान से मेहनत, करो जी जान से मेहनत, तुम्हारी मेहनत का मैं फूंगा, तुम बस सोच बदलो खुद को बदलो, तुम बस सोच बदलो खुद को बदलो, तुम्हारी दुनिया मैं बदल दूंगा। समीर ये कहता है, समीर ये कहता है, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक सेकंड डिस्टरबेंस आ रहा है। ये इंडस्ट्री तुम्हारी है, ये इंडस्ट्री तुम्हारी है, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तुम्हें आगे बढ़ाने पर मैं हमेशा जोर दूंगा, जहां तुम्हें मिलता है एक, जहां तुम्हें मिलता है एक, वहां मैं तुम्हें सो दूंगा। मेहनत तुम्हारी होगी, मेहनत तुम्हारी होगी, परंतु आजादी की बारिश में मैं तुम्हें भिगो दूंगा। समीर ये कहता है, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज मैं एक कविता और सुनाना चाहूंगी आपको, जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, मौज लो रोज लो खोज लो। दोस्तों, जिंदगी एवरेज चाहिए या बेहतरीन चाहिए, आपके हाथ में है, सोच लो। हर दिन आनंद से जीवो, खुशियों की तुम मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अपने गुरुओं से सकारात्मक विचारों की डोज लो, अपने गुरुओं से सकारात्मक विचारों की डोज लो, संभव हो तो ये डोज हर रोज लो। छुपा है वो कहीं आपके ही भीतर, उस सफल प्राणी को तुम खोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। दिन भर करो मेहनत, दिन भर करो मेहनत, सुबह शाम प्रोटीन युक्त भोज लो, संभव हो तो प्रतिदिन ग्रीन टी का एक डोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। कामयाबी पाने और दिलाने के लिए अपने साथ योद्धाओं की तुम खोज लो, योद्धा बाजार में नहीं मिलेंगे, अपनी लगन और ईमानदारी से उन्हें तुम खोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, हमेशा अपने हंसते हुए चेहरे का एक पोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेशन को आगे लेके चलते हैं और आगे जितने भी हैंड राइज हुए हैं हम उनको इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले इनवाइट करूंगी मैं नीतू गुजर को। नीतू बेटा आइए। जी दीदी, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ नीतू गुजर एंड आई एम 11 इयर्स ओल्ड। और आज मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। पिघला दे जंजीरे बनान की शमशीरे, कर हर मैदान फतेह बंदिया,
कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरे बाप पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। बहुत शानदार आवाज है आपकी, वास्तव में थैंक यू आपको। और आगे इनवाइट करना चाहूंगी मैं विनोद जी सर को, विनोद जी जहांगीर सर। मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है। मंजू जी, जी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। रोज लो मोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, बहुत प्यारी कविता। और उससे भी जबरदस्त कविता समीर सर ने जो हमें विश्वास दिया है, प्यार दिया है, प्रेम दिया है। और जो समीर सर हमेशा कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ दो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि समीर सर ने इस कविता के माध्यम से आपके मन से, आपके आत्मा से हम तक जो मैसेज पहुंचाया है वो यही है कि आप मुझे ख्वाब दो, मैं आपको आजादी दूंगा, आर्थिक आजादी दूंगा। दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारी कविता, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी होस्टिंग अभिषेक जी, आपकी बहुत प्यारी होस्टिंग। आपने पहली बार यह किया और यहाँ तक आप लेकर आए अपने आप को, दिल से धन्यवाद आपको। हर साथी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो उस मौके पर चौका जरूर मारिएगा, अपने आप को पीछे मत लेके जाइएगा। जैसा कि मैंने आज अभिषेक से पूछा था कि क्या आप कर पाएंगे, तो अभिषेक ने ना नहीं किया कि सर मैं देखूंगा, मैं बाद में सोचूंगा, आगे सीखूंगा, फिर करूंगा। नहीं, उसने मौके पे चौका मारा, जितना कर पाया, जितना हो पाया, हिम्मत से, ताकत से और सीखते बात करते हुए उसने निभाया, बहुत अच्छा किया। इसी तरह से आप सब भी आगे आए, आगे आगे बात कर रहे। और मंजू जी, आज के सेशन को हम एक अलग अंदाज में आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा कि जिनके हैंड राइज हैं उनको तो आप ले ही ले, और उसके बाद वन बाय वन एक एक मिनट के लिए आप सबको बुलाएं। दीपावली उनकी कैसी रही, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, और इस सेशन से स्पेशली मैं चाहूंगा इस सेशन का फीडबैक हम लेंगे आज शुभ दिन पर, सबकी राम राम हम लेंगे। और एक एक मिनट के लिए हम सबको वन बाय वन सबको बुलाएंगे, आप सबको अनम्यूट करते रहिएगा वन बाय वन, और सबसे हम एक एक मिनट के लिए बात करेंगे। सब हमें बताएंगे कि जादुई सुबह के जादू से उनके जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है, और वो कैसे अपने जीवन को जी पा रहे हैं, और वो कितने लोगों को लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जी, ओवर टू यू। थैंक यू मंजू जी। जी सर, जी सर, रियल में बहुत आपने जो बोला वो बहुत अच्छी तरीके से सर, ऐसे ही मैं भी करने की सोच रही थी और काफी दिनों से सोच रही थी, क्योंकि नए लोगों का मौका नहीं आता था और वो आने में हिचकिचाते भी हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। तो थैंक यू सर, और आगे मैं विनोद जी को इन्वाइट करूंगी। विनोद जी सर आइए। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग मैन। जी सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। मेरा नाम विनोद कुमार जंगिड है और मैं नवलगढ़ के बिरोल गांव से बिलोंग करता हूं। जी, आपका एक फोन बंद कीजिए, आपके पास दो फोन है उसको म्यूट कीजिए, दूसरे फोन को। हेलो। हाँ जी सर, कंटिन्यू सही आ रही है अभी? जी सर, जी सर, कंटिन्यू कीजिए। आप सभी को दीपावली और गोवर्धन जी महाराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर
आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और दूसरी चीज ये कि जो भी पार्टिसिपेट है आज के दिन भी हमारे साथ में है वो बहुत ही जबरदस्त और जिंदाबाद है। और दूसरा सभी को धन्यवाद 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 और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू थैंक यू। आगे अशोक जी सर, अशोक जी गुज्जर जी सर आप आइए। जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको दीपोत्सव दीपावली गोवर्धन और भैया दोस्त की हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं। और कहना चाहूंगा कि मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, भाई सेल्फ अशोक कुमार गुजर और पिछले 3 महीने से मैं इस सेशन में लगातार हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सेशन में आने से वाकई मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये नहीं मेरे जीवन में नहीं, मेरे पूरे परिवार में बहुत ही शानदार परिवर्तन आया है। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे इस सेशन में आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इस सेशन में हर एक व्यक्ति गुरु है तो सबसे सीखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं मोदी केयर परिवार के साथ। तो यही कहना चाहूंगा। नरेश जी सर दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मंजू दीदी आपको भी दिल से धन्यवाद, आप तो वाकई ग्रेट हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप बोलते हो मौज लो रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो, ये बहुत ही जबरदस्त एक कविता एक फार्मूला हमें दिया है जिंदगी में। तो आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू यू। जी सर थैंक यू। आगे मैं इनवाइट मंजू जी। जी सर जी सर। हम सभी साथियों से ये भी जानना चाहेंगे कि कल के सेशन में देखिए आज कितना प्यारा शुभ आंकड़ा है, 51 साथी आज हम यहाँ पे हैं। दिल से धन्यवाद परमपिता परमेश्वर को और आप सभी को। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए अनमोल है, अविस्मरणीय है। आप सब बहुत बहुत प्यारे लोग हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ये जिम्मेदारी भी लें और हमें बताएं भी कि आप आने वाले सेशन में कितने लोगों को लेके आ रहे हैं, कल के सेशन में आप कितने लोगों को लेके आएंगे। तो विनोद जी भी बताएं और अशोक जी आप भी बताएं और वन बाय वन आप सबसे पूछें कि सेशन से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है और आप कल कितने लोगों को लेकर आएंगे, ये जिम्मेदारी भी आप पूछे आप। थैंक यू सो मच। जी अशोक जी सर। अशोक जी सर आप कल की मतलब जिम्मेदारी बताएंगे अभी साथ में। जी मैम मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में इस सेशन से एक तो क्या है कि कभी कभी मैं नेगेटिव हो जाया करता था और इस सेशन में जब से मैं आया हूं तो मेरी जिंदगी में नकारात्मक नाम से कोई शब्द अब है ही नहीं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेश जी सर को और जो टोटल पार्टिसिपेट हमारे इसमें ज्वाइन होते हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे परिवार में भी मतलब जो छोटे मोटे कभी तू मैम हो ही जाती थी तो वो भी सेशन में आने के बाद में बड़े प्यार से हम सब लोग रहते हैं तो इसका श्रेय भी जाता है इस सेशन को। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सेशन में मेरे 2-3 लोग रहते थे, आज नहीं है, लेकिन मेरे परिवार की 2 छोटी छोटी गुड़ियां हैं आज इस सेशन में हैं। और जी सर, कल मैं इस सेशन में कम से कम 5 लोगों को लेकर के आऊंगा मेरे साथ। जी सर थैंक यू ग्रेट। जी जी मैम थैंक यू। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी कृष्णा जी को। कृष्णा जी आप आइए और समय का हमें विशेष ध्यान रखना है और 1 मिनट में हमें अपनी बात कहनी है और कल के सेशन में हम कितने लोगों को अपने साथ लेके आ रहे हैं वो हमें बताना है। जी कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। मेरा नाम कृष्णा, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी का नाम शिवानी शर्मा और मेरे पापा का नाम तुलसीराम शर्मा है और मैं 16 साल की हूँ और 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो एक दिन एक जंगल में 4 बैल रहते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं वो सारे बैल। एक मिनट ऑन रखना सर, दूसरा फोन लेके जा। वो 4 बैल जंगल में रहते हैं तो वो बहुत ताकतवर होता है और एक दिन उन्हें एक शेर मारने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। तो वो एक प्लान बनाता है कि हाँ मैं इनको कैसे मारूं कैसे मारूं। तो वो एक एक बैल को उनके कानों में जाके एक दूसरे के खिलाफ वर्ड्स बोलते हैं। तो वो बोलते कि
वो बोलते हैं तुम्हारा भाई तो तुमको लेकर नहीं गया उधर, है ना, ज्यादा हरी हरी घास है उधर, तुमको लेके नहीं गया। और फिर वो जब जहाँ वो बोलता है उसका जो भाई होता है वो उधर जा जैसे ही जाता है ना, शेर उसे मारकर खा जाता है। और फिर दूसरे भाई पे वो भी ऐसे ही प्लानिंग करता है, जब वो उसको भी बोलता है ना तुम्हारा भाई लेके नहीं गया तुम्हें, और है ना उधर जाके अकेला अकेला घास खा गया हरी हरी, तो वैसे ही करके वो भी उधर जाता है। और ऐसे ही उसने सब पर यही ट्रिक आजमाई और एक एक करके सबको मार दिया। तो इस स्टोरी का मोरल यही है, शिक्षा संगठन में ही शक्ति है, क्योंकि जब कोई भी लोग हमको बोले तो हमको जब संगठन में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको जब अगर अपन परिवार से किसी से अलग हो जाएंगे तो लोग हमको बहुत जल्दी अंदर से तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगी कोमल, कोमल गुर्जर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कोमल गुजर है और मेरी एज है 15 इयर्स, और मैं आज आपको मोटिवेशनल पोएम सुनाना चाहती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन, ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधी आए बिजलियों की पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पली अगन पले है जल जले, जमी के पेट में पली अगन पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए, टिके न टिक सकेंगे भूख रोज के स्वराजिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाबी, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाबी। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल, थैंक यू। बहुत प्यारी आवाज थी आपकी। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी विकास जी प्रजापत को, और सभी लीडर जी सर, सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम बताएं और इस सेशन से आपके अंदर क्या, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव आया वो बताएं, और कल आप कितने साथियों को यहाँ पे अपने साथ लेके आ रहे हैं वो बताएं, और हम जो भी अपनी मोटिवेशनल बातें हैं वो हम कल के सेशन में करेंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है ताकि सभी साथियों का नंबर आ जाए, हम आज चाह रहे हैं कि हम सभी साथियों को सुने, और सभी वक्त का हमें समय का ध्यान रखना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमें लास्ट में हमारे गुरुदेव से हमें वो जो प्यारी सी कविता हमें सुनाते हैं जिससे हमारे अंदर जोश आ जाता है, वो कविता हमें गुरुदेव के माध्यम से सुननी है, तो हमें समय का ध्यान रखना है। अब आगे जी सर आप कुछ बोल रहे हैं। जी मंजू जी, सिर्फ एक सेकेंड मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी बिटिया ने, खुशबू बिटिया ने, हमारी इस प्यारी सी बिटिया ने जो कविता बोली है, गाई है, बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत ही सुंदर आवाज के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं चाहूंगा खुशबू बिटिया, हर रविवार को ये कविता हम आपसे सुनेंगे, हर रविवार को आप यही कविता हमें सुनाएंगे। थैंक यू सो मच। और कोमल, कोमल गुजर थी सर, नीतू गुजर की सिस्टर।
अच्छा जी सर, एक बार बात करना चाहूंगा, वापस बुलाइए। जी सर एक मिनट। आई थिंक सर वो अपने जो शिवानी दीदी है उनकी बिटिया है खुशबू, शायद वो थी। नहीं सर, अशोक जी की बिटिया है। अच्छा अशोक जी। जी क्या बात है अशोक जी, डायमंड का पूरा खदान आपके पास है। कोमल बेटा। जी मैम। ये जो जी. अभी कविता आपने गाई थी कविता बेटा। जी सर। क्या बात है अशोक जी, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू आपको, पूरी की पूरी डायमंड्स की खदान आपने छुपा के रखी है। धन्यवाद ईश्वर का, इस सेशन के माध्यम से वो सारे डायमंड हमें मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा। कोमल बिटिया, हर रविवार को हम ये आपकी प्यारी सी कविता इसी अंदाज में हम सुनना चाहेंगे, और हम तो सोच रहे थे कि नीतू बेटा हमारे लिए अनमोल है, आप तो और भी ज्यादा अनमोल और भी ज्यादा खास हो। थैंक यू सो मच, आवर टू यू मंजू जी। थैंक यू सर। आगे मैं विकास जी प्रजापत हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी और समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। विकास जी सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, जी सर आप बताइए, आप तो आपका नाम बताइए और आपको इस सेशन से क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आया, और आप कल कितने लोगों को आप अपने साथ लेके आ रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार है और गांव तियावली का रहने वाला हूँ, मंडावा के पास है। और इस सेशन से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा सर, क्या है कि इस सेशन के माध्यम से सुबह पहले जो दिल से आवाजें निकलती है ना सर, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और सेशन कल मैं 5 लोगों को कम से कम यहाँ लेके आ रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूंगी अमित जी जांगीर को। अमित जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। माय नेम इज अमित जांगीर, आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी। बताना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से, पहली बार तो मैं लगभग 6 बजे उठता था, आज मैं 4 बजे उठ के भी ये लग 4 बजे भी जब उठता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मीटिंग निकल चुकी है। और आज मैं 4 बजे इस बात पे खड़ा हो जाता हूँ कि यार मीटिंग लेनी है। और ये सबसे बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी में यही आया कि मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है। और एक बताया था सर ने कि ये ब्रह्म योग होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो इसमें जो भी मांगो तो हमें मिलता है। और वो परसों मुझे छोटी दीपावली के दिन मिला। मुझे पहले एहसास हुआ था कि आज तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो मैंने ईश्वर से यही कहा था कि ईश्वर आज मेरी जिंदगी को एक दिन दे दे सिर्फ। और वही हुआ मेरे साथ, वो जो मेरे साथ घटना होने वाली थी वो टल गई मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप जो आपकी जिंदगी में बदलाव हुआ है वो आप कितने लोगों की जिंदगी में लाना चाहते हैं वैसा बदलाव, आप बताइए कल कितने लोगों को साथ में लेके आएंगे। मैं चाहूंगा कि कल मैं इस मीटिंग में इतने लोग लेकर आऊं जिसकी टीम से भी ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा मेरी टीम से हो। जी सर, थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूंगी आशा रानी जी को, और सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप संख्या बताइए। बहुत लेके आएंगे, लेकिन कि अगर एक पर्टिकुलर संख्या हो जाती है ना तो हमें ऊपर वाला वैसे ही देता है। आशा रानी जी। जी मैम आइए। कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आगे हम चलते हैं अशोक जी सेन। जी दीदी, गुड मॉर्निंग, मोदी केयर मॉर्निंग। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी गुरुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सेशन में, सुबह के सेशन में पहले मेरी भी यही आदत थी कि लेट तक सोता था, और अभी ऐसे बिना अलार्म के ही ऐसे हो जाता है कि भाई पांच बज गए, मेरा मोबाइल देना इधर, ऐसे लेते हैं मोबाइल को लेके देखते हैं तो फिक्स ऐसे 5 बजे बिना अलार्म के हम उठ जाते हैं, और फिर हम फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद में अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। और शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है सबकी, ऐसे एक दूसरे से अपने परिवार से मिलने का मौका मिल जाता है, फिर दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। और मेरा नाम अशोक सेन है, सीकर से बिलोंग करता हूँ, और मोदी केयर को जीते हुए 12 महीने हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी। और कल मैं 5 लोगों को इस
सेशन में लेके आऊंगा सुबह। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूंगी शिवानी जी शर्मा को। जी शिवानी मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, और आज दिवाली की और गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम मैं ना कल 3 जने को लेके आऊंगी। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ठीक ठीक। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी जुगल जी सैन। जी जुगल जी सर। जी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दीदी। जी सर गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। दिवाली और गणेश पूजा की भी शुभकामनाएं आपको। और अभी मैंने तो अभी स्टार्ट किया क्योंकि मैंने तो कल मीटिंग में सुना था कि 2 दिन की छुट्टी रही तो हमने ध्यान नहीं दिया, हम काम में लगे सुबह तो थोड़ा सा काम उसमें लगे, बाद लगे मैसेज आया हुआ है तो हम मतलब दिवाली की बधाई तो दे दी अपने टीम को। थैंक यू दीदी। जी सर थैंक यू। और आगे इनवाइट करना चाहूंगी मैं अनिल जी सैनी को। जी सर खुद को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अनिल जी आप। फिर मैं इनवाइट करना चाहूंगी अनीता जी सूरजगढ़। अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनीता जी ममता जी कोई नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। फिर हम मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर को अंजू जी गोगावत। जी मैम। जी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मंजू जी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं को, सभी साथियों को, मेरे प्यारे प्यारे सभी पार्टिसिपेंट्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की भी आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और सबसे पहले बताना चाहूंगी मेरा नाम अंजू गोगावत है, सूरजगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सेशन के लिए पूछ रहे हैं कि इस सेशन का क्या असर हुआ, मुझ पे क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि अब तक जितने भी सेशन हुए हैं उसमें ये सेशन मेरे लिए सबसे खास है। सुबह सुबह के टाइम पे जो सेशन शुरू होता है इसमें जब मैं आती हूँ तो मतलब सारी जो नेगेटिविटी कुछ भी जो दिमाग में आती है सबसे पहले तो वो सारा कचरा साफ हो जाता है और पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। पूरे दिन हमारी जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, वो एकदम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं और इसी वजह से काम जो है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं नरेश भाई से करना चाहूंगी। नरेश जी थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि मैं 6:45 बजे सेशन शुरू करती हूँ तो इसका मतलब उठती 3 बजे हूँ। मैं उठती 4:45 हूँ, 5 बजे से पहले मैं उठ जाती हूँ। लेकिन क्या है कि घर में मेरे लॉकडाउन के दौरान गाय आ गई थी और कुछ गाय का काम मुझे करना होता है, इसलिए मैं काम निपटा के ठीक 6:45 बजे में सेशन को ज्वाइन करती हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सेशन का लिंक रात को सेंड कर दें तो मैं अपने कुछ साथियों को इसे सेंड कर दूं, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करती हूँ उसके बाद में मैं लोगों को सेंड करती हूँ तो फिर वो टाइमली हो नहीं पा रहा है, मतलब ठीक से नहीं हो पा रहा है और मैं कई बार भूल भी जाती हूँ, जल्दबाजी में ज्वाइन कर लेती हूँ और देखना शुरू कर देती हूँ। अगर मैं बताना चाहूंगी जो लिंक है हमारा वही रहता है, डेली हमारा एक ही लिंक होता है तो आप वो लिंक उनको सेंड कर सकते हैं। जैसे आज सर ने जो अपनी और मैडम की फोटो लगा के जो मैसेज बनाया है वो आप मैसेज आप उनको डेली सेंड कर सकते हैं। हाँ ये चीज मुझे पता है जी। मेरे को मंजू जी हाँ जी सर, जो फोटो है ना वो आपकी मैडम की नहीं है, वो आपकी भाभी की है। जी सर हमारी भाभी की। जी सर बिल्कुल तो मतलब मैं उस लिंक को हमेशा सेंड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी वो एक ही लिंक होता है हमारा डेली। ओके थैंक यू मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी, मैं कई दिन से कहना चाह रही थी लेकिन मैं कह ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज जब आपने पूछा है तो मैंने ये बात बोली है। तो अब मैं आगे से इस लिंक को नाइट में सेंड करूंगी और मेरे हर दिन मतलब मैं चाहूंगी कि मैं कल 5 लोग तो मेरे आए ही आए लेकिन हर दिन मेरे लोग यहां पे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये सेशन अगर मेरे लोगों ने, मेरी टीम ने, मेरे अपनों ने ज्वाइन किया तो उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये सेशन वाकई में जिंदगी बदल रहा है, मेरी बदल रहा है और सबकी बदलेगा। तो ऐसे सेशन की हमें हमेशा जरूरत रहेगी और नरेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगी
जाएगी। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, जब दीपावली का दिन ही छोड़ा, आज का दिन ही छोड़ा, जब लोगों ने बहाने बनाए कि अभी तो मीटिंग त्योहार का टाइम चल रहा है तो शायद नहीं आ पाएंगे लोग, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और आपने इसे कंटिन्यू रखा और ऐसे ही आप हमेशा इसे कंटिन्यू रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा इसे इसमें सीखने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आता है हर व्यक्ति सिखा करके जाता है और हम कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर बच्चे से सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच नरेश जी, बहुत 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 प्यारा सेशन है और हमें इसे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और दोस्तों बता दूं आपको कि गुरुदेव ने हमसे प्रॉमिस कर रखा है कि जिस दिन आप इसको 100 पार करवा देंगे और कंटिन्यू 7 दिन इसको आप रखेंगे, अगर 7 दिन हमारे 100-100 लोग इसमें बने रहेंगे तो गुरुदेव सीटें बढ़ा देंगे, 300 का कर लेंगे, 500 का कर लेंगे। तो हमें यही करना है, हमें 7 दिन तक लगातार, 7 दिन तक नहीं, हमें हमेशा 100 से प्लस रखना है ताकि गुरुदेव हमारे लिए सीटें और बढ़ा सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके ये करेंगे। जी मंजू जी। जी सर। अंजू दीदी को मैं कहना चाहूंगा, अंजू दीदी आप है ना, आपने जो घर में जो माता रानी आई है गैया के माध्यम से, उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद आप और सुबह जल्दी उठ के लेंगे तो आपको वास्तव में और आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यही कहूंगा कि आप ना उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा और उनका प्रेम, उनका सानिध्य और थोड़ा जल्दी उठ के लीजिए। शाम को जो आप जितनी जल्दी हो सके अपने फील्ड से, अपने घर के काम से निपटा के आप जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जितना जल्दी हो सके माता रानी का आशीर्वाद आप ले, उनके पास उनके करीब जाए। और साथियों मैं आप सबको बता दूं, जो हमारी गैया होती है, गौ माता होती है, अगर आप उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, अगर आप उसके सर पे उसकी पीठ पे हाथ फेरते हैं तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, स्वर्ण उसके शरीर में होता है और स्वर्ण हमारे शरीर, जब हम उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं, टच करते हैं उसको, तो स्वर्ण की जो ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, यानी सोने की जो ताकत होती है, ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर के अंदर आती है। और उसके आसपास जब हम जाते हैं, गौ माता के आसपास हम जाते हैं, तो उसके आसपास जो गौमूत्र होता है या गाय का जो उत्सर्जन गोबर जो होता है वो शुभ होता है। आपको पता है हम पूजा में गाय के गोबर से ही दीपक जलाते हैं और वो जो पूजा पाठ करते हैं, कंडे जो होते हैं उनसे हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत शुभ और बहुत लाभदायक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अंजू दीदी पहले तो बहुत बहुत बधाई, हमारे घर में आपके परिवार में गैया माता गैया आई है और उसकी सेवा आप और भी जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगी, मतलब गाय की जो सेवा है सिर्फ इसी भावना से कर रही हूँ, गाय मतलब मैं नहीं लाई हूँ, गाय भाई लेके आया है, लेकिन आपको मतलब खाली गाय की सेवा मेरे हाथ से, इसलिए 70% उसका काम मैं करती हूँ सुबह उठ करके, और जहां तक होती हूँ घर में होती हूँ मैं ही करती हूँ, आउट ऑफ स्टेशन होती हूँ तो उन्हें करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक भावना है कि मैं गाय की सेवा लूँ, और वाकई में देसी गाय है और मुझे इतना आशीर्वाद गौ माता का मिला है कि उनके मेरे घर पे आने के बाद में मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ी स्पीड आई है और मेरे घर में एक सात्विक माहौल बन गया है। और वाकई में अब मैं आपकी बात को और थोड़ा सा गौर कर रही हूँ कि मैं और थोड़ा जल्दी उठूँ, बस मैं थोड़ा भाई को परेशान नहीं करना चाहती कि वो मेरे चक्कर में जल्दी उठे, इसलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ कि ठंड पड़ने लग गई है, बाकी मैं और कोशिश करूंगी कि मैं 15-20 मिनट और जल्दी उठ करके और टाइमली इस सेशन को अटेंड करूं। मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ और मैं जरूर करूंगी। अंजू जी आप भाई को भी साथ में लेके आना शुरू करो ना, मजा आएगा। कोशिश करूंगी, आते जाते सुनता रहता है वैसे सुबह सुबह, वो भी कहता है क्या सत्संग हो रहा है क्या तुम्हारे सुबह सुबह, वही सत्संग ही एक तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। और आगे मैं बुलाना चाहूंगी अंकित जी, हमारे बीच में है अंकित मुहाल। अंकित जी मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो, हाँ जी अंकित जी बोलिए। कोई नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। आगे मैं चलती हूँ आरती सेनी। हेलो हेलो, हाँ जी अंकित जी। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं बोल रही हूँ मैम सूरजगढ़ से, ममता। सभी को पहले तो मेरा सभी को राम राम दिवाली की जी। और जी जी सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, कल से मैं भी अपने 5 लोगों को लेके आऊंगी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ और सुबह सुबह अच्छा है ये, देखो मीटिंग भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है और सुबह सुबह ठंड के में सुन भी लेते, ये सेशन बहुत अच्छा लगा।
और जैसे देखो मीटिंग में तो अपने लोग कोई पहुंच पाते हैं कोई नहीं पहुंच पाते, और यहाँ पे सब देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मेरी बेटिया आगे इनवाइट करना चाहूंगी मैं आरती सैनी जी को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अनीता है, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना दूं। बेटा फास्ट। जी मंजू जी जरूर जरूर, छोटी सी प्यारी सी बिटिया है बेटा, जल्दी से सुनाइए। थैंक यू। अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढना है जमाना, ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूंगी आरती जी को। जी आरती जी, कोई नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। आगे इनवाइट करना चाहूंगी मैं बबीता जी को। बहुत सारे लोग लेफ्ट हो जाते हैं जैसे ही नाम लेती हूँ। आगे मैं बुलाना चाहूंगी धर्मपाल जी मोदी के। धर्मपाल जी मोदी के। जी सर आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर बताइए, अपना नाम बताइए और इस सेशन से आपके क्या परिवर्तन आया वो बताइए, कल कितने लोगों को लेके आ रहे हैं। जी सर गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धर्मपाल है और मैं गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूँ। इस सेशन को सुनने के बाद में सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ में परिवर्तन आया है वो आया है कृतज्ञता का। थैंक यू, धन्यवाद 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 सभी अपलाइन को, धन्यवाद पूरी मोदी केयर फैमिली को। और कल मेरे सेशन में, इस सेशन में लगभग 5 लोगों को मैं फाइनली पक्का लेके आऊंगा। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी बबीता जी सैनी। जी बबीता जी, आगे इनवाइट करना चाहूंगी मैं धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी काला। जी धर्मेंद्र जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। आगे मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारा परिवार, क्या शानदार नाम लिखा है हमारा परिवार। जी सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। जी सर गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग आवर लीडर्स, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग गुरुदेव। मेरा नाम विनोद कुमार जांगिड है। जी सर अपना नाम फिर से रिपीट कीजिए। जी मेरा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आप आगे इनवाइट करना चाहूंगी सर के पास, नेटवर्क इशू है। मैं के बिरोड़ गांव से बिलोंग करता हूं और नरेश जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। विनोद कुमार जांगिड गांव बिरोड़। जी सर, जी सर। हेलो। जी सर, जी सर। कल आप कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग रचना दीदी। और दिवाली की और गोवर्धन पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं,
और सॉरी दीदी आज मैं लेट हो गई थी, वो ये है कि चैलेंज छोटे मोटे आते रहते हैं, उस वजह से मैं आज सेशन को अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने 6:30 बजे इसको अटेंड कर लिया था। तो थैंक यू सो मच। और मेरी टीम से कम 10 लीडर को इस सेशन में लेके आऊंगी, और 5 से 6 मेरी लीडर आते हैं इस सेशन के अंदर, वो थोड़ा सा दिवाली की वजह से और उधर गांव की साइड में तो खेत के काम की वजह से वो थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन अब वो काम पूरा फिनिश हो चुका है, दिवाली भी जा चुकी है, अब हमें अपने मोदी के बिजनेस को रफ्तार की तरह पकड़ना है, दौड़ाना है, और अब मेरे कम से कम 10 लीडर आएंगे इस सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और आगे बुलाना चाहूंगी मैं धर्मेंद्र जी। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आगे बुलाना चाहूंगी मैं हरलाल सिंह जी को। हरलाल सिंह जी सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। फिर आगे लेके चलते हैं जयकरण सिंह जी। जयकरण सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग जस्ट अ मिनट। मंजू जी आप अभी जयकरण सिंह से बात करने के बाद सबसे बस यही बात पूछेंगे कि वो आना चाहते हैं या नहीं, बात करना चाहते हैं नहीं, अगर आना चाहते हैं तो वेलकम, नहीं तो हमारा सेशन का टाइम हो चुका है जी। थैंक यू सर। जी सर जी सर कंटिन्यू कीजिए। जयकरण जी गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मंजू दीदी, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग और मेरे गुरुदेव, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग और लेटर्स। बताना चाहूंगा मेरा नाम जयकरण सिंह, मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं और मोदी केयर करते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं। मेरे को बहुत अच्छा सेशन लग रहा है, मॉर्निंग में जादुई सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सर क्या बताएं, जादुई सेशन में जादू चल रहा है। बताना चाहूंगा सर अभी मेरा लेवल 13% हो चुका है और बहुत ही शानदार मोदी केयर से जी रहे हैं जिंदगी जी सर। थैंक यू। और जो भी नए लीडर्स है वो आगे आके बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो हैंड राइज कर सकते हैं, और प्लीज आप हैंड राइज कीजिए। और आगे मैं बुलाना चाहूंगी सुनील जी धानिया। सुनील जी सर आप आइए जी। मंजू मैम धन्यवाद, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, और सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की और गोवर्धन पूजा की सभी को, राम राम। नाम सुनील धानिया है, सीकर से हूँ, और मुझे मैम ये सेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली, लेकिन पहले मैं नहीं जागता था, आंख नहीं खुलती थी मेरी, लेकिन अभी ये मेरे को इस सेशन को अटेंड करते हुए मेरे लगभग 25 से 26 दिन हो चुके हैं, और स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज रहा कि मैं प्रॉपर इसको अटेंड नहीं कर पा रहा था, नींद आती थी, वापस हो जाता था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू इसको ना 5:15 बजे 5:30 बजे तक मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और पूरे सेशन को अटेंड रखता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बदलाव आया है मेरे में, और जब से मोदी गेर मेरी लाइफ में आया है तब से बहुत ही अच्छा ही होता जा रहा है, और आप सभी को सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा सेशन नरेश जी सर ने ये चलाया है, मैं दिल से कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने इतना प्यारा सेशन दिया है। और जी सर थैंक यू जी, थैंक यू जी सर। और मैं आने वाले समय में मैं मेरे 10 से 11 लोगों को इस सेशन में लाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं लेके ही आऊंगा जी। जी सर थैंक यू। हमें सबको मिलके 500 प्लस करनी है ये सीट। और आगे मैं बुलाना चाहूंगी अंकित जी को। अंकित जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। आगे चैंपियन आपने हैंड राइज किया है, तो मैं चैंपियन आपको इनवाइट करना चाहूंगी। जी चैंपियन गुड मॉर्निंग। और बात करें इस सेशन की,
तो वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव आया मेरी जिंदगी में। और कल मैंने देखा था चमत्कार इस सेशन का, कल सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरा भाई आज एकदम अच्छा है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है और बहुत जल्द एकदम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। और कल के सेशन में हमारे तीन लोग आएंगे, तीन से चार लोग आएंगे और उनमें से एक हमारा भाई मोहित होगा। वाओ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों ये चमत्कार है वास्तव में। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में है सीमा जी पूनिया, आरजू पूनिया के नाम से उनकी है आईडी। तो सीमा जी आप आइए। और दोस्तों बताना चाहूंगी कि आज सीमा जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी उनको बधाइयां दीजिए। तो सीमा जी आपको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आपको बधाइयां, आपको जी जी जी, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे मोदी के परिवार की तरफ से मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा लगता है मोदी के, अभी मेरी लिटिल चैंपियन सो रही है, वरना बता देती सबको कैसा लगता है। जी आप आज आप सेशन में थे, आपको कैसा लगा, आपने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया है और कितने लोगों को लेके आओगे? बहुत अच्छा लगा दीदी, मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगी, मेरी जो टीम में है दो तीन लोग हैं, मैं उनको लेके आऊंगी। अभी मेरी बेटी सो रही है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अटेंड कर लेगी इसको। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इन्वाइट करना चाहूंगी मैं सुमन जी सैनी। जी सुमन जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दीदी। और आज सभी को मैं हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगी, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी दिवाली। और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। और मैं इस सेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि ये सेशन जब से मतलब आया है ना, मतलब जब से मैं सुन रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हमें किसी एक सेशन की जरूरत थी। और मैं ना मेरी टीम से मतलब तीन लोगों को मैं इसमें आ रहे हैं, वो कंटिन्यू, आज तो दो लोग नहीं है लेकिन वैसे भी मैं ना काफी लोगों को इसके बारे में बताती हूँ, बात भी करती हूँ। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ना ये तो मोदी केयर का है, तो मैं उनको ये भी कहती हूँ ये मोदी केयर का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम मोदी केयर क्यों करें, ये कुछ ऐसा होता है। तो मतलब मैं उनको ये भी कहती हूँ कि ये अपने मतलब इसमें संस्कार अगर किस मतलब चाहिए हम लोगों को तो ये उस टाइप का है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मोदी केयर वाले ही कर सकते हैं। तो ये चीज है। और मैं उनसे बात करती भी हूँ, दो तीन लोग ऐसे आए भी थे, एक दो बार सुना था मैंने, उनको ये भी कहा था कि आप लगातार सुनो, दो चार दिन सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे लाइफ चेंज होती है। और मेरी भी हो रही है, काफी लोग मतलब ऐसे भी कहते कि नहीं हाँ सच में चेंज हो रहा है, लग रहा है। जी भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम सेशन को बहुत, हमारा सेशन लंबा हो चुका है, तो हम सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। और सेशन को क्लोज करना चाहेंगे, क्लोज करने से पहले जिसके हाथ में होस्टिंग होती है वो अपने आप में राजा होता है। और तो मैं सबसे उससे पहले, सर को बुलाने से पहले, मैं मेरी वरना की कविता आपको, आपके सामने, मेरे परिवार के सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे जब जब मैं इसको सुनती हूँ, बोलती हूँ, गुनगुनाती हूँ, तो मुझे यूं लगता है मेरी वरना मेरे सामने खड़ी है। तो मैं गुरुदेव को बुलाने से पहले एक मेरी वरना की जो कविता है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक साधारण सी थी गृहिणी जिसको घर में ही था रहना, एक साधारण सी थी गृहिणी जिसको घर में ही था रहना, सुबह से लेकर शाम तक जिम्मेदारियों को निभाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े बच्चे इनको था दिन भर सहना, आंखों में सिर्फ नींद होती थी, नहीं था कभी भी कोई बड़ा सपना, जीवन अच्छा कट रहा था रोजाना, जागो उठो काम पर लगो, दिन भर थक कर फिर सो जाना, धीरे से मन में एक आस जगी और लिया एक कार का सपना, क्योंकि घर की जरूरत हो गई थी कार, नहीं था पता तब क्या है कार वरना, मन को भा गई दिल में आ गई वो थी कार वरना, पर पहुंचे मजबूर थी बड़ा मुझे समझौता करना, एक साधारण सी थी गृहिणी जिसको घर में ही था रहना, अगर मेरी भी इनकम आती तो लाती मैं वही कार, चाहे देना पड़ता मुझे धरना, नौकरी छोटी हो या बड़ी पेट ही पाला जाता है, यही तो है हर नौकर को सहना, जब हाथ में आया स्टेयरिंग, जब हाथ में आया स्टेयरिंग तो चाहत और बड़ी, मेरी वरना
मेरी उस गुरु को दिल से धन्यवाद, मेरे उस गुरु को दिल से धन्यवाद जिसने मुझे सिखाया ड्राइव करना, फिर तो दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिल में वरना, रात में वरना, दिल और दिमाग में सपना लेकर साकार हुआ इस मोदी केयर इंडस्ट्री में कदम रखना। शुरू में तो लगा कि होगा या नहीं होगा पूरा, जो देखा मैंने सपना, धीरे धीरे चलते कदमों ने कहा, धीरे धीरे चलते कदमों ने कहा, और तेज चल, और तेज चल, धीरे धीरे चलेगी तो बहुत देर से आएगी तेरी वरना। मेरे दिल को अच्छा लगता है उसको बार 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 स्वीटी कहना, कदमों की रफ्तार बढ़ाई तो लोगों ने नहीं अपनों ने भी शुरू किया कहना, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हो, इतने चक्रों में क्यों पड़े हो, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, फिर क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ना। पर मेरे तो दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिन में वरना और रात में वरना, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग हमेशा मुझे कहते आए, उठ चल दौड़ कुछ कर ना, लगी रहेगी लगातार लगन से तभी तो आएगी तेरी वरना। ये इंडस्ट्री मिली है मुझे तो हासिल तो है मुझे यहाँ से करना, ऐसे ही नहीं मुझे मरना। जब वो मेरे पास आएगी, जब वो मेरे पास आएगी तो आंखों से बहेगा मेरे झरना, जब वो मेरे पास आएगी तो आंखों से बहेगा मेरे झरना, उस दिन सब कुछ भूल जाऊंगी, उस दिन सब कुछ भूल जाऊंगी जो अभी तक पड़ा है मुझे सहना। दिल जान लगा दो दोस्तों, सपनों को मैं पूरा करना, लगे रहो लगन से लगातार, बहुत जल्दी आपकी भी आ रही है कार, बस डटकर है आपको यहाँ पर रहना। 12 फरवरी 2021 को आप सभी आमंत्रित हैं, निवेदन है मेरा आपसे ये करना, दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिन में वरना, रात में वरना, हर वक्त वरना, हर वक्त वरना। थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे गुरुदेव को, गुरुदेव आइए और आपसे हमें मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आ जाए, वो कविता आपके मुंह से हमें सुननी है, आपकी आवाज में हमें सुननी है, आपके जोश के साथ हमें सुननी है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तथास्तु, आपकी वरना आ चुकी है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारी होस्टिंग। और मैं ये चाहता हूँ कि कविता हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने पहली बार फंडराइज किया, आज रामनवमी का दिन है, आज गोवर्धन की पूजा होगी, बहुत प्यारा त्योहार हमने बनाया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा त्योहार हमने बनाया है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम जिनके हैंडराइज है उनको जरूर का दे, उनसे जरूर हम बात करें। जी मंजू जी। जी सर, सर वो मेरे बहना बोलते टाइम हुआ है एंड्राइज, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी रितु जी को, रितु जी सैनी जी, रितु जी आप आइए जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम जी, रितु जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है मैम प्रॉपर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन, आज का सेशन बहुत ही शानदार और ग्रेट रहा, और इस जादुई सेशन को देने के लिए थैंक यू सो मच नरेश भैया और ऑल लीडर्स जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और इस सेशन से जिंदगी में काफी चेंज हो रहा है, जिंदगी जादू की तरह बदल रही है, और इस सेशन में 7 से 8 लीडर डेली आते हैं मेरी टीम से, और कंटिन्यू हम 10 से 15 लीडर टोटल इस सेशन में आगे रहेंगे नेक्स्ट टाइम तक, कल तक। थैंक यू सो मच नरेश भैया इतना प्यारा और सेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच, सभी को दीपावली, थैंक यू मैम जी। रितु जी, और आगे मैं बुलाना चाहूंगी राजेश कुमार जी को। जी राजेश जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। गुड मॉर्निंग मैम जी। सर गुड मॉर्निंग, सर राजेश कुमार बोल रहा हूँ, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की भानसूर तहसील से, और मुझे सेशन में आते हुए करीब 2 महीने हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी है कि मैं पहले फाइनेंस कंपनी में था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रॉपर तरीके से सुनने का, मात्र 10-15 मिनट ही ज्वाइन करता था, यानी आधे बाद में ड्यूटी का टाइम हो जाता था मेरा सुबह का। अब है प्रॉपर तरीके से मैं पूरा टाइम सुन रहा हूँ, पूरी मीटिंग सुन रहा हूँ अपनी, बहुत अच्छा लग रहा है विद फैमिली के साथ में, अभी फिलहाल घर पर हैं, तो
आगे से मेरे कर तीन से चार पहले आ रहे हैं, दो तो पहले से आ रहे हैं इस सेशन के अंदर सुन रहे हैं हमारे, और आगे से तीन से चार लोग हमारे आएंगे नए लोग। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी सुमन जी सैनी। जी सुमन जी, सुमन जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं आगे इनवाइट करूंगी शिवानी जी को। जी शिवानी जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नरेश भैया का, जिन्होंने मेरी जिंदगी पूरे तरीके से चेंज हो गई मैम। मैं उठ नहीं पाती थी, मेरा सबसे बड़ा रोग था ये कि मेरे को नींद ही नहीं खुलती थी मैम। मैं 8:30 बजे उठती थी, और अब मुझे मैम 5 बजे ही जाग खुल जाती है, और इस सेशन की लगी रहती है कि मुझे इस सेशन को अटेंड करना। और मैम पूरे तरीके से जिंदगी बदल चुकी है मेरी। पिछली दिवाली को जब मैं याद करती हूँ ना मैम, डर लगता है, लेकिन ये दिवाली मैम मेरी बहुत अच्छे से गुजरी है, बहुत अच्छी, और आगे भी बहुत शानदार होने वाली है। और बहुत मतलब बहुत खुशी हो रही है मेरे को ये सेशन अटेंड करके, बहुत कुछ सीख के, और मुझे इतनी अच्छी अच्छी फैमिली मिल रही है यहाँ से, मतलब मैं बता नहीं सकती। और मेरे जो बच्चे हैं वो चेंज होने लग गए हैं इस सेशन से, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे मेरी जिंदगी पूरे तरीके से यहाँ से चेंज हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ सबको ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए, यहाँ से पहले तो मेरी जिंदगी चेंज हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जाग ऐसे खुल जाएगी मैम। मेरी आंखों की प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बहुत नींद आती थी, और लेकिन जब से ये सेशन अटेंड करती हूँ मैम नींद ही नहीं आती है, 5 बजे जाग खुल जाती है, और आंखों की प्रॉब्लम भी मेरी कम हो गई है अब यहाँ से। और बहुत 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 धन्यवाद नरेश सर का, बहुत दिल से आभार, आप सबका दिल से आभार, नीतू बेटा का दिल से आभार। कल नीतू बेटा आए थे मेरे पास, बहुत अच्छा लगा, और सब बहुत मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरी बुआ का भी कल फोन आया था, कह बोल रही है तू तो बहुत आगे जाने वाली है, तेरे पे तो माता जी की कृपा होने वाली है, तू तो बहुत आगे निकलेगी। सबका सामने से फोन आने लग गए, नहीं तो मेरा परिवार का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था मेरे साथ में, कोई नहीं था मेरे साथ। अब चला चला के फोन आते हैं मेरे पास में, तो मतलब पूरे तरीके से मेरी जिंदगी बदल चुकी है मैम यहाँ से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू। ये यही तो है जादू, तभी तो इसका नाम है जादू सेशन। सुमन जी आप अनम्यूट कीजिए। जी मंजू जी, आई थिंक सभी कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। सेशन को कंप्लीट करें। मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सेशन को कंप्लीट करें। चलिए, हो सकता है मंजू जी को नेटवर्क इश्यू हो, मैं आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और हम सब एक दूसरे को धन्यवाद देंगे, और आज इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपको। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, आप आए और एक दूसरे को आप धन्यवाद दें, दीपावली की शुभकामनाएं पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सोनू शर्मा जी का हरी धन्यवाद, सुधा जी धन्यवाद 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 जी सर, क्लोज करने से पहले सर आपके आवाज में, आपकी बुलंद आवाज में हमें वो कविता चाहिए जी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। 7:35 हुए और हम 35 पार्टिसिपेंट हैं। चलिए, आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार, और अपनी कविता के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। और मैं थोड़ा मंद आवाज में ही आज बोलना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर के रहमो करम से हमारा आशीर्वाद से सेशन कंटिन्यू चल रहा है, और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है कॉलोनी में। एक हमारे मोहल्ले से एक व्यक्ति शांत हो गए हैं, तो मैं थोड़ा मंद आवाज में ही आज ये कविता बोलना चाहूंगा। जी सर, अगर आप डिस्टरबेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर कभी कर लेंगे। नहीं, मैं अंदर हूँ, मेरा शटर डाउन है, ऑफिस क्लोज है, बस मंद आवाज में मैं करना चाहूंगा। जी सर, जी, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, यस, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहने, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पैराग्राफ है अपने आप में आप सबके लिए एक प्रेरणा है, आप सबके दिलों से आने वाली आवाज है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मंजू जी आप हैं चैंपियन, आप भी हो यहाँ पे, आप सभी को होस्ट जितने भी हैं, आप सभी लीडर से मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपको वापस से कोस्ट बना रहा हूँ,
जस्ट मिनट ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और जिनमें हमारे जो को होस्ट है उनसे मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। अशोक जी, हमारी जो नीतू बिटिया है उस तक हमारा मैसेज पहुंचा दीजिएगा, और आप सभी लीडर जितने भी हैं आप सब जिम्मेदार हैं, आप भी इस बात को ख्याल रखिएगा। आप चाहे अभी को होस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आगे आएंगे अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, अपने आप को व्यक्त करना शुरू करेंगे, तो आप भी इसी भूमिका में आने वाले हैं। इसीलिए मैंने पर डे एक व्यक्ति को चुना है होस्टिंग करने के लिए कि आप भी आगे आए निखर के। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आपसे एक बात मन की बात दिल की बात कहने जा रहा हूँ। मंजू जी कहूँ, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। तो जितने भी कॉस्ट है वो अपने आप को एडमिट कर लीजिए, एक कमिटमेंट चाह रहा हूँ मैं आप सबसे, कमिटमेंट जी। वेलकम अशोक जी, चैंपियन नितेश जी, रचना दीदी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए और ये मैसेज बाकी को होस्ट को और बाकी सभी लीडर्स को भी दे दीजिएगा। मैं आप सबसे ये वादा चाहता हूँ कि हमारा ये सेशन हमेशा 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 चलता रहेगा, चाहे हाल कोई भी हो, काल कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, चाहे हम इसमें 5 लोग हो, 15 लोग हो, 2 लोग हो, 10 लोग हो, हमें कंटिन्यू इस सेशन को करना है, हमें कंटिन्यू इस सेशन को करना है। पहला तो ये कमिटमेंट आपसे चाहिए। आर यू रेडी? जी सर, बिल्कुल सर। जी जी सर, बिल्कुल रेडी जी। थैंक यू सो मच। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सुबह 5:30 बजे ये सेशन चलता है, समय इसका चाहे 5:30 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, सुबह 5 बजे क्यों ना हो, चाहे सुबह 4 बजे क्यों ना हो, चाहे समय जो भी रहे, एक भी दिन टलना नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको, मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से, जिस दिन मेरा इस धरती पे अंतिम दिन होना, उस दिन भी ये सेशन होना चाहिए, मेरे जाने के बाद भी ये सेशन होना चाहिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, दिल से धन्यवाद देते हुए आपको ये कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे 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 जीवन में अगर मुझे आप कुछ भी देना चाहे ना, आप मुझे कुछ भी देना चाहे, सबसे बड़ा उपहार मेरे लिए यही होगा कि ये सेशन मेरे रहते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी हमेशा 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 चलता रहे। ये मैं आप लोगों को जिम्मेदारी भी देना चाहूंगा और ये आप लोगों से कमिटमेंट भी चाहूंगा। आर यू रेडी? जी सर, बिल्कुल रेडी है। लेकिन आज के खुशी के मौके पे आप ऐसी बात मत कीजिए, और आपको, आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आपको हमारी भी उम्र लग जाए, हम सबकी यही ऊपर वाले से, उस परमपिता परमेश्वर से ये हमारी मतलब प्रार्थना है, कामना है, दुआ है, आप जैसा भाई सबको मिले और आपको हमारी भी उम्र लग जाए। जी सर, बिल्कुल ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो हम बिल्कुल, हमारा कमिटमेंट है, हम वादा करते हैं कि ये सेशन कभी बंद नहीं होगा, ये सेशन हमेशा हमेशा चलता रहेगा। यस जी सर, बिल्कुल ये सेशन बिल्कुल चलेगा, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, आपने हमें ये जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है, हम तैयार हैं। लेकिन जैसे मंजू मैम ने कहा, प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, आज कितना शुभ दिन है, आपको हमारी भी उम्र लग जाए, आप हमारे रोल मॉडल हो, प्लीज आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, नेगेटिव बात ना करें। मुझे पता है इंसान आता है, उसे जाना भी पड़ता है, लेकिन अभी ऐसी बातें ना करें प्लीज। थैंक यू जी गुरुदेव, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आज खुशी का मौका है, और ये बिल्कुल सार्वभौम सत्य है कि जो आएगा वो जाएगा, लेकिन कम से कम प्लीज आज के दिन ऐसी बात मत करिए। और बिल्कुल हमारा कमिटमेंट है कि ये हम रहे ना रहे, लेकिन ये सेशन जरूर रहेगा, क्योंकि आदमी मरता है, पैदा आत्मा मरती है, पैदा होती है, लेकिन सिस्टम जिंदा रहेगा, और ये सारी जो ताकत है वो सिस्टम की है, और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो गुरुदेव आपको जाता है। तो बिल्कुल हम आपको आज ये वचन देते हैं आज के इस पावन दिन पे कि हम इस सेशन को, जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी, अंतिम सांस तक हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। यस थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी मन को उदास मत कीजिए, सच में 125 साल की उम्र लेकर आया हूँ मैं, मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है, वो बहनों का प्यार, आप भाइयों का साथ। थैंक यू 125 साल की उम्र लेकर आया हूँ, और मैं नाचते नाचते जाऊंगा। और आपको एक बात और बता दूं, ये वो उपहार है जो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को देकर जाना चाहते हैं, हम वो संस्कार, वो
वो पावर, वो सच्ची दिल से निकलने वाली दुआएं, प्यार और विश्वास और वो सकारात्मक ऊर्जा हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को देकर जाना चाहते हैं। इसलिए कटु है लेकिन सत्य है, इसलिए मेरे शब्द जो मैंने कहे वो कटु है लेकिन सत्य है। इसलिए प्लीज 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 इस जिम्मेदारी को दिल से, आत्मा से निभाइएगा और हमेशा हमेशा इस सेशन को बरकरार रखिएगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संजो कर रखना है। जी थैंक यू। जी बिल्कुल सर, इस अनमोल धरोहर को हमेशा हम संजो के रखेंगे और ये सेशन अगले कई दशकों तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है, ये हमारा कमिटमेंट है। वाओ थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। संजो दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नरेश जी बिल्कुल बोलना चाहूंगी। आपने जो कमिटमेंट सबसे लिया है, अभी मुझे को-होस्ट बनाए हैं और आप इतना मान सम्मान मुझे देते हैं, मुझे पता है। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये सेशन आप लोगों ने शुरू किया, इस सेशन को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन आगे हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस सेशन की जिम्मेदारी लेती हूँ और आपकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। आप हमारे भाई हैं, आप इतने प्यारे भाई हैं, आपकी वजह से हमने पता नहीं क्या क्या सीखा और कितना बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में किया है। तो आप ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, आप बहुत जिए और आप इतना जिए कि आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदले। तो आप जिस दिल से दुआएं आपको और आपकी इस उपस्थिति में ये सेशन हमेशा हमेशा चलता रहेगा। हम आपके आगे जा रहे हैं, हमारे रहने पर भी आप इस सेशन को कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये सेशन वाकई में जिंदगी बदलेगा और आज से हम सब साथ हैं, एक साथ हैं, मिल करके इस सेशन को हमेशा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और इतनी भीड़ होगी इस सेशन में, इतना नाम होगा, इतना धूम होगी इस सेशन की कि पूरी दुनिया में होगा ये सेशन को जाना जाएगा, जादुई सेशन को पूरी दुनिया में जाना जाएगा। पर इस सब के लिए हम सब साथ, हमेशा साथ हैं। धन्यवाद। जी चैंपियन, जी चैंपियन। हाँ गुरुदेव, मैं एक बात करना चाहूंगी। आप बोलते हो मुझे अपना बेटा बताते हो, आपका प्यारा सा बच्चा बताते हो, तो अगर आप कहीं गए तो आपका ये प्यारा सा बच्चा, आपकी ये प्यारी सी मोदी केरियन फैमिली आपको छीन के ले आएगी ऊपर वाले से। तो अच्छी बात कभी मत बोलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिल से धन्यवाद। मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। बस मैं यही चाहता था और दोबारा कभी मेरी जुबान पे शब्द नहीं आएंगे, लेकिन ये बात करनी जरूरी थी, ये बात कहनी जरूरी थी, ये जिम्मेदारी, वो कहते हैं ना कि ये खजाने की चाबी आप तो को सौंपनी जरूरी थी। ये मेरी अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में जो कमाया है, सच मायने में मैंने अपने जीवन में जो कमाया है, सही मायने में मैंने अपने जीवन में जो कमाया है, उस जायदाद की चाबी मैंने आपको सौंप दी है। उस जायदाद को बढ़ाना है, उस जायदाद को आपको और ज्यादा संवारना है, आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सबका आभार, प्रेम पूर्वक आप सबको नमस्कार और गोवर्धन पूजा की। आप सभी को राम राम, दीपावली आपकी हमेशा हमेशा शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और सच में रोज लो, मोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और साथ ही साथ याद रखना, लगे रहो लगन से लगातार। थैंक यू सर। ओके सर, लव यू ऑल।